नमस्कार किसान साथियों, ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हो ये टिश्यू कल्चर प्लांट है, इसे रूट स्टॉक भी बोलते हैं। अब ये प्लांट सुप्तावस्था में जा रहा है, इसके पत्ते देख सकते हो आप, ये हाथ लगाने से ऐसे गिर रहे हैं। नीचे से पूरे पत्ते झड़ चुके हैं, अब केवल टॉप पे पत्ते बच रहे हैं इनके। ये प्लांट मात्र 1 साल के हुए हैं अभी तक, और इस साल इनमें सैंपल फ्रूट भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो आप, बीमे बन चुके हैं इनमें, रूट स्टॉक M111 वेराइटी है ये। इस पौधे की हाइट सीडलिंग के मुकाबले थोड़ी छोटी रहती है। ये सभी पत्ते अब छोड़ रहे हैं। जैसे इसकी पूर्ति हो जाएगी, जैसे ये सुप्त अवस्था में चला जाएगा 10-15 दिन बाद में, जैसे पत्ते गिराने के बाद में, ये प्लांट में से अब इसके बड्स फॉर्मेशन होने लग जाएगा और बड्स में जान आ जाएगी। जैसे फिर ये बड्स खुलने लग जाएंगे, इन बड्स के मुँह खुलने लग जाएंगे। ये जैसे बड्स देख रहे हैं आप, और इनमें से फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। और छोटे प्लांट में भी बड्स बन चुके हैं, ये देखिए आप, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बड्स बन रहे हैं इनमें। सीडलिंग के मुकाबले रूट स्टॉक में आपको फ्रूट भी ज़्यादा मिलते हैं। इस डाली में देखिए आप, सभी जगह बड्स बनेंगे, अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। इस साल तो कुछ परसेंट ही निकल पाएंगे, ये फल फ्रूट दे पाएंगे। इस पर भी देख सकते हो आप, ये सब तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। डाली के ऊपर तक सीडलिंग के मुकाबले इसमें फ्रूट भी ज़्यादा लगते हैं, और फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी रहती है रूट स्टॉक में। और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, बाकी साइज और कलर में अच्छा माना जाता है रूट स्टॉक को। ये भी छोटा सा प्लांट है, इसमें भी आप देख सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए बीमे तैयार हो रहे हैं इसमें। ये भी देख सकते हैं आप, इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट 3 फीट हाइट होगी इस प्लांट की। और इसमें देखिए बीमे, ये प्लांट भी बहुत छोटा है अभी तक।
मैन लीडर के बीमा बनता है उसमें स्ट्रॉन्ग बर्ड्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उसमें फ्रूट भी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं जो बारीक शाखा पे लगता है जैसे इधर, तो इस पर थोड़े फ्रूट मैच्योर नहीं हो पाते पूरी तरह से। ये सब बर्ड्स नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रही है इसमें। तो ये छोटी सी जानकारी थी किसान साथी रूट स्टॉक के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।